दोस्तों, हम सभी के अंदर बचपन से ही कुछ ऐसा बड़ा करने का सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे ही वैसे दुनियादारी और जिम्मेदारियों के बीच हमारे सपने भी फीके पड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सफल तो सिर्फ वही होता है जो कि बचपन में देखे गए अपने सपने को जी जान लगाकर उसे पाने की चाह रखता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से मिलती जुलती हुई कहानी भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए खिलाड़ी ऋषभ पंत की, जो कि आईपीएल के खेल से उभर कर सामने आए और अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उन्होंने हर किसी को प्रभावित किया। वैसे दोस्तों, पंत को तो हम सभी उनके शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो नेशनल टीम में जगह बनाने का रास्ता उनका इतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि एक साधारण से परिवार में जन्मे ऋषभ ने वह दिन भी देखे हैं जब उन्हें लंगर से पेट भरने पड़ते थे और रात गुरुद्वारे में ही बिताना पड़ता। और शुरुआती समय में परिवार का भी कुछ खास सपोर्ट न होने के बाद भी ऋषभ ने कैसे अपने बचपन का सपना पूरा किया, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं ऋषभ पंत की पूरी लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 1997 से, जब उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में राजेंद्र पंत और सरोज पंत के वहाँ ऋषभ पंत का जन्म हुआ। इसके अलावा ऋषभ की फैमिली में उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम साक्षी पंत है। और दोस्तों, भारतीय टीम में अपने नटखट अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले ऋषभ पंत अपने बचपन में काफी शांत स्वभाव के बच्चे थे और वह खासकर अपने शरारत से घर वालों को परेशान बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन मम्मी पापा से उन्हें अगर डांट सुनने को भी मिलती तो वो क्रिकेट के खेल के चलते, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें इतना प्यार था कि इस खेल को खेलते हुए वह समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते थे। और दिन भर क्रिकेट खेल के आने के बाद उनकी घर पर खूब पिटाई भी होती और फिर घर वालों के दबाव में ही सही। लेकिन ऋषभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून से की। हालांकि पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन कभी भी नहीं लगा, लेकिन क्रिकेट के खेल के प्रति लगाव दिन ब दिन उनका बढ़ता चला गया। और फिर ऋषभ के अंदर इस खेल के पागलपन को देखकर घर वालों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। और अब धीरे धीरे ऋषभ ने भारतीय नेशनल टीम की तरफ से खेलने का सपना सजो लिया था। और फिर इसी कड़ी में जब ऋषभ करीब 10 साल के थे, तब उनकी बड़ी बहन जो कि दिल्ली में रहा करती थी, उन्होंने बताया कि उनके वहाँ एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम चल रहा है जिसके जरिए एक क्लब के लिए नए क्रिकेटर चुने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ऋषभ को भी सुझाव दिया कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए जरूर ट्राई करनी चाहिए। और ऋषभ ने अपनी बड़ी बहन का सुझाव मानकर इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और अपने शानदार टैलेंट से सेलेक्ट भी कर लिए गए। और फिर इस सिलेक्शन के बाद उन्हें सोनेट क्रिकेट क्लब दिल्ली के टीम के साथ हर हफ्ते 2 दिन के ट्रेनिंग दी जाती ताकि वो अपने स्किल्स को और भी निखार सके। और दोस्तों, ऋषभ बताते हैं कि यह समय उनके लिए काफी कठिन था, क्योंकि महज 10-11 साल की उम्र में ही वह हर वीकेंड ट्रेन से दिल्ली आते और फिर पैसों की कमी की वजह से वह गुरुद्वारे में लंगर खाकर अपना पेट भरते और उसी गुरुद्वारे में ही सो भी जाते थे। और फिर काफी समय तक इसी रूटीन को फॉलो करने के बाद अपने कोच के सुझाव पर ऋषभ पंत राजस्थान चले गए और वहां जाकर उन्होंने राजस्थान के अंडर 14 और अंडर 16 टीम की तरफ से खेला। हालांकि इस दौरान ऋषभ पंत को काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजस्थान के टीम में खेलने वाले वह दूसरे स्टेट के एकमात्र खिलाड़ी थे। और फिर इसी भेदभाव की वजह से उन्होंने राजस्थान छोड़ दिल्ली का रुख अपना लिया। और अब दिल्ली आने के बाद से अलग अलग एज ग्रुप में ऋषभ पंत के शानदार बल्लेबाजी और कीपिंग को देखते हुए उन्हें 2015 में दिल्ली की रणजी टीम से खेलने का मौका मिला और इसके बाद वह अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत की ओर से खेलते हुए दिखाई दिए। और फिर हर जगहों पर ऋषभ के शानदार खेल को देखते हुए उन्हें आईपीएल 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने 1.9 करोड़ की रकम देकर खरीद लिया। और दोस्तों, इस ऑक्शन में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ऋषभ पंत का बेस प्राइस महज 10 लाख रुपए था। और फिर दिल्ली की टीम में सेलेक्ट होने के बाद से इस सीजन ऋषभ ने अपनी शानदार विस्फोटक खेल से सभी को इतना प्रभावित किया कि उन्हें फरवरी 2017 में भारत की नेशनल टीम की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली T20 सीरीज में शामिल कर लिया गया। हालांकि इस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस उनके नाम के हिसाब से उतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपना शानदार खेल जारी रखा और 2017 आईपीएल में 165 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए रन ने एक बार फिर से भारतीय टीम में उन्हें जगह दिलाई। और फिर 18 अगस्त 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में और 21 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में उन्होंने अपना डेब्यू किया
और उनके अभी तक के रिकॉर्ड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों यूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ऋषभ पंत का अभी तक का सफर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन IPL में उन्होंने अपनी शानदार खेल से सभी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया और इसी खेल को आगे ले जाते हुए ऋषभ पंत ने 2019 IPL के अपने पहले मैच में ही 27 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेल इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर से विस्फोटक शुरुआत कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अपनी शानदार खेल को जारी रखते हुए IPL के साथ साथ भारतीय नेशनल टीम को भी ऋषभ पंत अपना योगदान देते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ऋषभ ने समस्याओं से निपटते हुए भारत के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन वाले खेल यानी कि क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है वह काबिले तारीफ है, और हम भी उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।